नगर निगम की मनमानी के विरोध में आज स्टेशन बजरिया के दुकानदारों ने अपनी दुकान को बंद रखकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। दुकानदारों ने निगम अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं दुकानदारों के इस धरना प्रदर्शन को पुलिस अवैध बता रही है। आपको बता दें कि आज सुबह नगर निगम कमला स्टेशन बजरिया में बेतरतीब लगी दुकानों के होर्डिंग्स और बैनर हटाने पहुंचा था, लेकिन दुकानदारों ने जैसे ही अपनी दुकान के शटर गिराए, नगर निगम अमला बैकफुट पर आ गया। निगम कार्रवाई के विरोध में बजरिया के दुकानदारों ने अपने शटर गिरा दिए और शासन विरोधी नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। आज सुबह जो है नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा जो है यहाँ कार्रवाई की गई, इनके होर्डिंग हटाए गए और इनको कोई पहले से उसको सूचना नहीं दी गई। उसको विरोध को लेकर आज सभी जो व्यापारी संघ है यहाँ का, उन्होंने पूरी दुकानें बंद की और धरने पर बैठे हुए कि हमें बिना परमिशन के जो है कोई मतलब इसमें कार्रवाई नहीं की और कोई सूचना नहीं थी हमारे और अपनी मांगों को लेकर यहाँ बैठे हुए। देखिए, आज की जो समस्या है वो समस्या हमारी नगर निगम के खिलाफ है। पिछले एक माह से नगर निगम विभाग द्वारा हमारे सभी छोटे बड़े दुकानदारों पर स्वच्छता के नाम पर, अतिक्रमण के नाम पर जो अवैध उगाही चल रही है, हम उससे परेशान थे और आज हम इसलिए उग्र और एकत्रित हुए हैं कि आज नगर निगम में कुछ अधिकारियों द्वारा सवेरे काफ़ी ज़्यादा संख्या में आकर के बिना किसी सूचना के हमारे बाजार में जो हमारी दुकानों के बोर्डों को तोड़ने वो लोग आ गए थे। ठीक है, सुबह हम लोग अपने व्यापार के लिए तैयार होते हैं, फिर हमें कोई सूचना नहीं थी, हमारे साथ बैठा नहीं गया और उल्टा उसके एवज में कार्रवाई करने के लिए प्रशासन को भेजा दिया।